जय हिंद दोस्तों। बुधवार को भारतीय सेना का तमिलनाडु के अंदर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 और लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई। सीडीएस बिपिन रावत की मौत के बाद चीनी मीडिया में तंज कसा जा रहा है। उस तंज कसे जाने पर भारत के अंदर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारत सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है। आखिर चीनी मीडिया क्या बोल रहा है सीडीएस बिपिन रावत के बारे में, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। स्क्रीन पर देखिए, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में बुधवार को भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 14 लोगों की मौत पर चीनी मीडिया में तंज कसा जा रहा है। जनरल रावत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव को लेकर चीन का नाम लेकर बोलते थे, जबकि मोदी सरकार तनाव में भी चीन का नाम से लेने से परहेज करती रही है। तो सर, जो बिपिन रावत थे, जो चीन से भारत का जो सीमा विवाद चल रहा है, मोदी सरकार तो कहती थी कोई घेर नहीं रखी है चीन ने हमारी जगह पर, ये जो सीटीएस बिपिन रावत थे वो हमेशा एक अलग तरीके से बोलते थे और हमलावर होते थे चीन के ऊपर, जबकि मोदी सरकार में भी चीन का नाम लेने से परहेज करती रही है। हाल ही में जनरल रावत ने कहा था कि भारत के लिए असली खतरा चीन है, ना कि पाकिस्तान। दोस्तों, मोदी सरकार तो दिखाती है कि खतरा पाकिस्तान थे, पर ये जो सीडीएस बिपिन रावत का कहना था अभी हाल ही में कि हमारा जो भारत को जो ज्यादा खतरा वो पाकिस्तान से नहीं, चीन से सबसे ज्यादा खतरा है। अब जब जनरल रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई, तो चीन में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य पत्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम भारत पर तंग कस रहा है। ग्लोबल टाइम को चीनी की सरकार का प्रोपोगंडा फैलाने वाला अखबार भी कहा जाता है। ग्लोबल टाइम की टिप्पणियों की भारत में आलोचना हो रही है। दोस्तों, आखिर ग्लोबल टाइम ने क्या कहा है, क्या तंज लिखा है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि भारत जो युद्ध की तैयारी कर रहा है, जो युद्ध करने की जो सोच रहा है, उसकी ये पोल खुल रही है। यानी जो MI-17V5 जो हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में क्रैश हुआ है, ये युद्ध करने की तैयारी किस तरीके की है भारत की, वो आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो गया और सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ की मौत हो गई हादसे में। यानी इनके भारत के हेलीकॉप्टर इस तरीके का, मतलब इनका तंज ये कसा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं भारत के, और ये अगर युद्ध करने के लिए, यानी हमारा मुकाबला करने के लिए अगर ये तैयार है, तो इनकी तैयारी आप देख सकते हैं कि इनकी तैयारी आके है कैसी। ये तंज कस रही है चीनी मीडिया। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर आप क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लिख रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।